हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ ऑरेंज फेस पैक। गाइस बहुत अच्छा है, मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूँ, ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा ए, बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस के तत्व भी पाए जाते हैं, अमीनो एसिड। सो इसलिए मैंने आज ये फेस पैक तैयार किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे इसका। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे बनाना है, कैसे करना है। सो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप आराम से वॉच कर सको। सो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट कर दिया करो, पूरा फुल वॉच किया करो और वीडियो में एंड तक प्लीज़ बने रहना। फेस पैक बहुत अच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ये है संतरे के छिलके, ओके, ये है संतरे के छिलके। मैंने इसको 10-15 दिन सुखाया है और 10-15 दिन लगा इसको सूखने में। हाँ देखिए, जब मैं ऐसे इसको तोड़ रही हूँ तो इसमें क्रंचीनेस दिखना चाहिए, मतलब आवाज़ आनी चाहिए इसमें से। और इसको आपने धूप में नहीं सुखाना। मैं आगे क्लिप इंक्लूड कर रही हूँ, आप देखना मैंने कैसे बनाया है इसको, ठीक है, इस फेस पैक को। और बहुत टाइम लगा इसको सुखाने में। सो गाइस, इसको आपको धूप में नहीं सुखाना है, आपको बिना धूप के ही इसको आपने सुखा लेना है। इसको मैं पूरा मिक्सर में डाल दे रही हूँ, एक जार है ये, उसमें मैं पूरा ये डाल दूँगी। कम से कम ये 1 किलो था, 1 किलो ऑरेंज था, उसके निकले हैं। कोई आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो फेंक ही देते हो ना संतरे के छिलके, तो अब नहीं फेंकना है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और अब आप देख लीजिए कि इसको कैसे मैंने बनाया। मैं इसको बिल्कुल पीस लूँगी। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ऑरेंज में प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण होते हैं जो स्किन का, जो आपकी स्किन का रंग होता है ना, उनको साफ़ करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। और ऑरेंज का जो फेस पैक है, स्किन से ऑयल सोखने में भी काम करता है। ये देखिए, ये पिस चुका है और बस इसको ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, पाउडरी सा बिल्कुल होना चाहिए, पर ये बिल्कुल पाउडर की तरह पिसेगा नहीं। तो इसमें आपने पूरा वीडियो एंड तक देखना है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए पिस चुका है, इसको मैंने 3-4 बार मिक्सर से चलाई है, उसके बाद ही ऐसा पिसा है। पर अब हम इसमें लेंगे ये आटे छानने वाली होती है ना, तो हम उससे ले रहे हैं और उसमें हम देखिए छान ले रहे हैं। इसमें देखिए मैंने बिल्कुल से छान लिया और गाइस इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। और बिल्कुल जो ये ऊपर का निकला है ना, जो ऊपर का निकला है, जो इसमें रह जाएगा, वो मैं हटा दूँगी, ठीक है। उसको मैं, वो एक्स्ट्रा है तो उसको तो मैं फेंक देने वाली हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑरेंज में प्राकृतिक ब्लीचिंग के गुण है, सो फेस के लिए बहुत अच्छा है और ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेहद अच्छा है। इसलिए क्योंकि स्किन से ऑयल सोखने का भी ये काम करता है ना। जब समर होता है, गर्मियाँ होती हैं बहुत गंदी वाली, तो स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली सी लगती है ना गाइस, तो इसलिए ऑयल सोखने का काम करता है, तो बहुत अच्छा है। देखिए ये बातें करते करते ये पूरा हो चुका है। और अब हमने ये छोटा सा कंटेनर लिया है, ये मेरे पास था प्लास्टिक का, मैं उसमें ये पूरा अपना फेस पैक डाल ले रही हूँ। ये मेरे 1 महीने का फेस पैक है, मैंने तैयार करके रख लिया है, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाना है, आप अच्छे से लगा सकते हो। अभी मेरा फेस देखिए, मैंने थंबनेल में बिफोर एंड आफ्टर का भी डाला है, आप देख लेना, खुद आपको डिफरेंट दिखेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये कुछ इसकी कुछ पाउडर जैसा हो चुका है, ये जैसा मुझे चाहिए था ये वैसा बन चुका है। अभी गाइज आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि लगाने में भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो आप वीडियो देखिएगा कि इसको कैसे लगाना, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी। और मैंने वाइट टॉप पहना है तो मेरा ख़राब हो गया था वाइट टॉप, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है।
ये है, और देखिए अब मैं इसको बनाऊंगी। मैं ले रही हूँ, कांच ले रही हूँ। मैं इसके 4 टेबलस्पून लूँगी आई थिंक, या 4, 1, 2। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम ही फेस पैक की तरह बनके तैयार हो गया है, या 4, ठीक है। और ये आप इसको फेस पैक, एज ए फेस पैक आप इसको लगाओ और इसको ट्राई करो। इसमें विटामिन सी है जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें कुछ भी मिला सकते हो गाइस, हनी, एलोवेरा जेल, मैंने इसमें रोज़ वाटर ही मिलाया है, ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो हमारे फेस के लिए गाइस बहुत अच्छा होता है। ए, बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस के भी तत्व पाया जाता है, अमीनो एसिड। हाँ, एक बार मैं आपको बता दूँ, अमीनो एसिड भी पाया जाता है। हालांकि इन फ़ायदों के लिए, जो भी इन फ़ायदे हैं इसमें, विटामिन सी और अलावा ए, बी, कैल्शियम, इनको इन सब फ़ायदों के लिए आपको इसको सही समय पर ही खाना होता है, ठीक है। हाँ, मैं अब आपको लगाने का बता दूँ गाइस, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके फेस में बहुत आसानी से लगता नहीं है। देखिए, नहीं लग रहा है, आप मेरे फेस में देखें। तो इसका भी इलाज है मेरे पास, क्योंकि लगेगा नहीं, आपको अपने हैंड से नहीं लगाना। देखिए, जब मैं हैंड से लगा रही हूँ तो नहीं लग रहा पूरा। देखिए कैसे मेरा पूरा वाइट टॉप ख़राब हो गया। इसको आपने फिंगर से लगाना है, प्रेस करना है, अपनी फिंगर से लगाना है, ओके, प्रेस करना है, अपनी फिंगर से लगाना है। ये आपके ब्लैक हेड्स भी हटा देगा, स्किन का जो ऑयल है वो तो सोखेगा ही सोखेगा, ये स्किन से टैनिंग भी दूर करेगा। और संतरे का फेस पैक आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर साफ और हेल्दी बनाता है ना। आपको हेल्दी स्किन चाहिए ना, तो आप इसलिए आपको देखिए इस मैं कैसे फिंगर से प्रेस कर रही हूँ तभी वो लग रहा है। अगर आपको कोई चीज़ का फ़ायदा चाहिए तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी मेहनत है, पर देखिए स्किन आपकी हेल्दी हो जाएगी। आप खुद देखना, आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, कसम से मैं कह रही हूँ, मुझे कसम लगे, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत सही है, मैं गारंटी देती हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा टाइम हो गया है, सूख गया। हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कभी ब्लीच लगाने से भी आपको प्रॉब्लम होती है, इरिटेटिंग होती है, तो आप मत लगाया करो, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लीचिंग के गुण होते हैं ना। तो अगर आपको इससे भी अगर होए ना कुछ प्रॉब्लम, तो आप तुरंत इसको हटा दो, ठीक है। वैसे होगी नहीं, क्योंकि नेचुरल चीज़ है, फ्रूट है। तो ये देखिए स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, कितनी ज़्यादा क्लियर हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइस। ये आपकी स्किन को हेल्दी भी बनाने में आपकी हेल्प करता है, ऑयल सोखने में आपकी हेल्प करता है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका कोई भी आपका कोई फेवरेट मॉइस्चराइज़र हो, आप वो यूज़ करो गाइज़। यही थी मेरी आज की वीडियो, होप आपको ये फेस पैक 100% रिज़ल्ट देगा, गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ। और लाइक, शेयर, कमेंट करना, मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फेस पैक ट्राई करना, कॉमेंट डाउन करना, इंस्टाग्राम पर DM करना और मुझे बताना कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।